हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और आज हम बात करेंगे बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के बारे में। असीरगढ़ दुर्ग जो है तो बुरहानपुर के अंदर वाक़ है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे लगने वाला एक बहुत बड़ी पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ, इस सिलसिले के ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि किला है और एक खानदेश के अंदर आया करता था। ये एक तरह से देखा जाए तो एक ना कबीले तस्खीर, यानी कि इसको कभी फतह नहीं किया जा सकता, इस किस्म का ये किला यहाँ पर के खानदेश के बादशाह ने बनाया था। और ये पूरी दुनिया को पता था कि ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसको बाबे दक्कन भी कहते हैं और बाबे मतलब के ऊपर जाने के लिए, नीचे के बादशाहों को जीतते हुए ऊपर जाने के लिए, और ऊपर के बादशाह यानी कि नॉर्थ के बादशाहों को साउथ में आने के लिए एक तरह से देखा जाए तो गेट था। और इसको जिब्राल्टर भी कहते हैं। जिब्राल्टर एक तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्री के को अगर जाना है तो जिब्राल्टर एक पहाड़ी सिलसिला है, एक किले के तौर पर वहाँ होता है, जो गेट ऑफ यूरोप भी उसको कहते हैं। तो उस तरह से ये एक इंडिया का जिब्राल्टर कहा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसको मैं आपको बता दूं, फतेह किसी भी राजा ने नहीं किया। ये किला एक ऐसा किला है वाहिद जिसको फतेह नहीं किया गया है। बस मुस्लिम बादशाह था जिसने इसको निर्माण किया। और उसके बाद अकबर की इसके जब ऊपर इस किले के ऊपर जब नज़र पड़ी तो 6-7 महीने तक इसके ऊपर जंग चली थी दोस्तों। 6-7 महीने की जंग के बावजूद भी अकबर बादशाह इसको फतेह नहीं कर पाया था जंग की तौर पर। फिर बाद में अकबर बादशाह ने इसको क्या किया कि पूरे किले की नाकाबंदी कर दी। इस तरह से नाकाबंदी कर दी कि अंदर पानी तक नहीं जाता था। और पानी नहीं जाने की वजह से यहाँ के जो शासक थे, खानदेश के बादशाह, खान बादशाह जिसको कहते हैं आमतौर पर, वो बादशाह ने क्या किया था कि फिर बाद में इसको सरेंडर कर दिया था और अकबर को यानी कि मुगलों को इसने सरेंडर कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा किला है जिसको बल के नाम पर आज तक भी फतेह नहीं किया गया है। एक संधि के तौर पर इसको जीता गया है, एक तरह से टेरिटरी यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ही इसको जीतना मुमकिन हुआ है। चाहे वो मुगल हो, चाहे वो कोई भी बादशाह हो, चाहे फिर वो अंग्रेज जिन्होंने तोपखाने लेकर आए, बहुत सारे पिस्तौल या फिर गन्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, लेकिन ये असीरगढ़ एक ऐसा स्मारक, एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर जिसको फतेह करना मुमकिन ही नहीं हो पाया बड़े बड़े राजाओं से और बड़े बड़े अंग्रेज़ के दिमाग और थिंक टैंकर्स के ज़रिए भी। मैं आपको बता दूं कि ये उस वक्त की बात है जब अकबर का सिक्का पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोलता था। तब भी अकबर बादशाह के पास पूरे एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं एक बात याद रखें, उतनी बड़ी फ़ौज किसी के पास नहीं थी। खुद इस बादशाह के पास भी इतनी बड़ी फ़ौज नहीं थी कि वो अकबर का मुकाबला कर सके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस किले को दिफा करने में यहाँ पर के खानदेश के खान बादशाह कामयाब हुए थे अकबर से। तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी थी और किस तरह से उन्होंने इसको बादशाह को जीतने नहीं दिया था अकबर बादशाह को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए दोस्त हमारे आए हैं वो अभी तक के उन्होंने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सातपुड़ा की पहाड़ियों के ऊपर स्थित एक भव्य स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इसके लिए जाने के लिए दो रास्ते हैं। सबसे पहले एक जो रास्ता है वो सांपनुमा है, टर्न टर्न उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी टर्न्स होते थे उसके ऊपर राजा जो है तो अपने सिपाही बिठा दिया करता था। फिर दुश्मन फौज उसके ऊपर अगर चढ़ती तो वो टर्न्स में धोखा खा जाती और उस पर हमले वो हो जाते। तलवारों के ज़रिए यहाँ पर बहुत कम हमले हुए, ये बात भी ख़ास है। यहाँ पर दोस्तों पत्थरों के ज़रिए बादशाह ने एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी कि पत्थरों के ज़रिए से मुग़ल सैनिकों को उन्होंने कुचल दिया था। और मरते, ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये टर्न वाला रहा है, ये है, इससे मरते बहुत कम थे पत्थरों से, लेकिन गिरकर जख्मी हो जाते थे। तो ये किले को जीतने के लिए मुग़ल सैनिक सबसे ज़्यादा जख्मी हुए थे, जबकि मरे बहुत कम थे, ये खास बात इस किले की है। और एक किला का जो दरवाज़ा ये आपके सामने दिख रहा है, ये सीधा सीधा दरवाज़ा हुआ करता था। तो यहाँ पर बराह रास्त अगर कभी जंग करना होती थी तो इसके पीछे एक फसील हुआ करती थी,
उसको पार करना यहाँ की मुगल सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा टफ काम था। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये रास्ता इतना आसान था, लेकिन यहाँ पर बादशाह ने पूरी सैनिक यहाँ पर सैनिक बल यहाँ लगा दिया था, और जो गुंबद वाला रास्ता था जिसको कहते हैं टन वाला, असीरगढ़ के लिए जो टन टन वाला रास्ता था, उसमें बहुत कम सैनिक थे। जबकि बादशाह जो अकबर यहाँ पर इसको जीतने के लिए आया था, तो उसने पूरी सबसे ज़्यादा फौज हर जगह पर रखी थी, तकरीबन 1-1.5 लाख फौज यहाँ पर इस किले को जीतने के लिए आई थी, और ये जंग तकरीबन 6 महीने से 7 महीने तक के चली थी। इसके बावजूद भी यहाँ के बादशाह ने सरेंडर नहीं किया था और हार नहीं मानी थी। ख़ास बात यह है कि इसको नाकाबली तस्कीर इसलिए कहा गया है कि ये किला जो है तो सातपुड़ा के ऊपर बना हुआ है, और इसको जीत जाना अकबर बादशाह बखूबी जानता था कि अगर इस किले को हम जीत जाते हैं तो दक्कन के लिए उसके दरवाजे खुल जाते। दक्कन के नीचे जो थे निज़ाम थे, जो शुरुआत में गोलकुंडा या फिर उसके आसपास अहमदनगर इस तरह से ये हुकूमतें करते थे। अहमदनगर तक तो खुद बादशाह खान बादशाह की ये हुकूमत थी। अब दोस्तों इस तरह से ये हुआ, और एक दिन क्या हुआ कि 6-7 महीने की जंग के बाद बादशाह अकबर ने सोचा कि अब इस किले को हम फतह नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या किया जाए। तो उसके जासूस अंदर उन्हें भेजे किले के अंदर, और वहाँ से उन्हें पता किया कि रसद और कमक की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि खाने और जंगी सामान की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, और जिस एरिया से इसको आता था वो एरिया को हमारी फ़ौज ने लॉक कर दिया है। तो फिर बादशाह अकबर ने सोचा कि अब मौका आ गया है कि हम इस किले को जीत लेंगे। तो उसने इस किले के अंदर जो पानी जाता था और बहुत सारी जो चीज़ें जो खाने पीने के आइटम्स इसके अंदर जाते थे, उस चीज़ों के ऊपर नाकाबंदी करना शुरू कर दी और फौजियों को उतार दिया था उस रास्तों से जहाँ जंग शुरू थी। तो दोस्तों वैसी उनको वापस लाने के बाद बादशाह ने कुछ 15 से 20 दिन का जो है तो फाकाकशी के बाद यहाँ के बादशाह ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। और आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर राजा बादशाह अकबर यहाँ पर एंटर हुआ, और यहाँ पर उसने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी किया, और वो कुछ ही दिन यहाँ पर रहा और उसके बाद यहाँ से वो चला गया। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है, एक मस्जिद बनाई गई थी और जो ब्लैक पत्थर ब्लैक स्टोन के ज़रिए ये बनाई गई है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन काले पत्थरों के इसमें किया गया है, और ये काले पत्थर इस पहाड़ के ही हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा पहाड़ है सतपुड़ा का, आप देख सकते हैं ये ताप्ती नदी के आसपास और उसके एरियाज में आता है। ये मस्जिद है, एक मस्जिद के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर खराब पानी उस वक्त आता था, या फिर हम इसे वैसे भी कह सकते हैं कि राजा रजवाड़ों के घोड़े हाथी यहाँ पर स्नान किया करते थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मुगल कालीन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये मुगल कालीन, और निज़ाम जो हुआ करते थे औरंगज़ेब बादशाह के अधीन, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वो एरिया है जहाँ पर से जो है तो बादशाह औरंगज़ेब, जी हाँ दोस्तों औरंगज़ेब पूरे दक्कन को ऊपर नज़र रखा हुआ था। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने दाव लगाया, और अंग्रेज़ों ने भी दाव लगाया और मुग़लों ने भी इसके ऊपर दाव लगाया, लेकिन औरंगज़ेब माफ़ कीजिएगा अकबर ने बहुत ज़्यादा खूनरेजी जंग के बावजूद इसको जीतने में नाकाम रहा और संधि के ज़रिए इसको जीता। इसके जो स्मारक है अब वो पत्थर और मिट्टी के अंदर बनाए हुए हैं, जो अब वक्त की मार सहते हुए टूटते और फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने की चीज़ है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर है पूरा। बुरहानपुर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, उसमें से ये एक भी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बाबे दक्कन के अलावा, इसमें ख़ास बात यह है कि उस वक्त का बेहतरीन पत्थर इस पहाड़ों से जो है तो मुगल कालीन जो भी इतने भी कंस्ट्रक्शन हुए तो यहाँ पर से पत्थर ले जाया गया, और यहाँ पर उस वक्त का ये नाकाबिले तस्कीर किला हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ से मुग़ल को हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक दौर इतिहास ने वो भी देखा कि जब ये मुग़ल कमज़ोर होने लगे तो उस वक्त यहाँ पर सबसे पहली बात कि अंदरूनी बगावत की वजह से इस किले को भी मुग़लों ने हार दिया अंग्रेज़ों को। और मैं आपको बता दूं कि इसका कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं जो एक तरह से देखा जाए तो याद दिलाती हैं मुगलिया और खान देश के बादशाह खान बादशाह की, कि उसने किस तरह से इसको बनाया और रखा था।
अब और एक चीज़ इसमें ख़ास बात यह है कि जब अंग्रेज़ों ने इस पर फतेह हासिल की, जो संधि के ज़रिए या धोखेबाजी के ज़रिए ही की थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस दौर में भी जब उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया तो उसको इन्होंने जेल के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि ये और उसके ऐसे स्ट्रक्चर थे जो अपने आप में नाकाबिल तस्खीर खुद को बनाते थे, उन सबको मस्मार कर दिया। इसलिए क्योंकि कभी अंग्रेज़ ये सोचते थे कि कभी हम इसमें से हार जाएं तो हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि अगले टाइम हम इसको जीतने के लिए ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े। तो अभी अगर कभी हम इस किले को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इतिहास में जो बताया गया है कि ये नाकाबिल तस्खीर था, इसको कभी फतेह नहीं किया जा सकता था, ये झूठ है। लेकिन ये सच था। यहाँ पर इसके बारे में अंग्रेज़ मुफक्रीन और ख़ुद औरंगज़ेब के, माफ़ कीजिएगा, अकबर बादशाह के जो सवाने हैं उसके अंदर भी इसके बारे में लिखा गया है। अकबर बादशाह इसको फतेह करते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन में था और इसके ऊपर जो है तो उन्हें बहुत दाव लगाया था, और जब जो जीत कर यहाँ से गया था उसके ऊपर एक स्टोन जहाँ पर उसने उसकी जीत का फतेह का जो है तो वहाँ पर एक पत्थर के ज़रिए उसके अंदर बनाया, और उसके अंदर कैलीग्राफी के अंदर उसने लिखा था कि हमने इसको भी जीत लिया है। तो दोस्तों इस पर इस किले को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन किला है देखने के लिहाज से, और इसका कंस्ट्रक्शन जिस तरह से मुसलमानों ने किया है वो भी देखने के लायक है। इसके अंदर मस्जिद है बहुत सारी हैं और अभी ये वक्त के हिसाब से बंद पड़ी है, लेकिन पुरातत्व विभाग अगर कभी इसका संज्ञान इसकी नोटिस करता है, इसको देखता है, तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकता है, और मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बढ़िया काम हो सकता है। अब दोस्तों ये जो के सामने जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये मुग़ल दौर में औरंगज़ेब बादशाह के दौर में बनाया गया है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। औरंगज़ेब ने यहाँ पर मंदिर, औरंगज़ेब के दौर में ये मंदिर बनाई गई है, और इसको जो कंस्ट्रक्शन जो बनाया गया है इस मंदिर का, एक भव्य मंदिर है जो है तो मुग़ल शैली के अंदर इसको निर्माण किया गया है। जिस तरह से ताजमहल के आसपास एक बड़ी छतरी है और उसके आसपास चार गुंबद हैं, तो इसके ऊपर एक छतरी बड़ी बनाई गई है और आसपास चार से छः छतरियाँ बनाई गई है। अभी भी ये मंदिर शुरू है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ एक और एक स्ट्रक्चर अटैच है जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था, जो बैरक यानी कि जेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उसमें जो छावनी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे वो बैरक बनाए गए, लेकिन ये वक्त से पहले ही टूट गए हैं। जो कंस्ट्रक्शन मुग़ल कालीन और खान बादशाह के खानदेश बादशाह के जो कालीन का है वो अभी भी देखते ही बनता है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मुग़ल कालीन नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये अंग्रेज़ों का कालीन का है जो आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है। ये अभी से ही टूट रहा है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो सीमेंट और रेती और ईंट से किया गया है, जिसकी वजह से ये टूटता हुआ फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो किले का निर्माण किया गया था वो पत्थरों के अंदर है और चूना और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, और बहुत सारी जगहों पर इसकी फसल तराशी गई है, इसकी वजह से ये अभिन्न किला था। अब ये अंग्रेज़ों ने इसको जितने भी बड़े स्वतंत्र सेनानी थे उसको इसमें लाकर उन्होंने कैद किया था, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों को इसके अंदर कैद किया गया था उस वक्त जब हिंदुस्तान आज गुलाम था। तो दोस्तों जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो इन्होंने इसको तोड़फोड़ किया, और शुरुआत में ही इसको तोड़फोड़ करके उन्होंने आसान किला बनाकर रख दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।